छज्जर जिले में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर छज्जा जिला प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा आज छज्जर शहर में लोकसभा चुनाव के मध्य नजर रखते हुए फ्लैग मार्च भी निकाला गया। लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। छज्जर के लघु सचिवालय से जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह और पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में शहर भर में छज्जर पुलिस और केंद्रीय पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया था। फ्लैग मार्च के दौरान जिला प्रशासन द्वारा आमजन से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गयी है। छज्जर के जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर 25 मई जिले में मतदान होगा और चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और CCTV कैमरे भी लगाए गए और किसी भी व्यक्ति को शांति कानून व्यवस्था भंग नहीं करने दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सभी पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग की जा चुकी है। सबको पूरी तरह से ये आश्वस्त किया गया है कि वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में अपना मतदान करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। हमें बाहर से जो पुलिस फोर्स प्राप्त होनी थी वो हमें प्राप्त हो चुकी है। उसके साथ आज हमने फ्लैग मार्च भी निकाला है। रूरल एरियाज के अंदर भी हम कॉन्वॉय फ्लैग मार्च निकालते हुए गए हैं। लगभग पूरे जिले को कवर किया है। फ्लैग मार्च कल भी किया गया। इसके अलावा सभी पोलिंग बूथ्स के ऊपर वेबकास्टिंग हो रही है। वेब कैमरा है जिससे हम डायरेक्टली अपने कंट्रोल रूम में पोलिंग बूथ के अंदर जो चल रहा है उसको देखा जा सकता है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी सपोर्टर, कोई भी व्यक्ति अगर पोलिंग बूथ के अंदर कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसका एविडेंस भी रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे वो कोई अन्य, चाहे वो व्यक्ति। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि 25 मई लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर जिले के सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान करें और अगर कोई भी शांति व कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है तो तुरंत उसकी सूचना जिला प्रशासन या पुलिस की टीम को दे। पुलिस प्रशासन की पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा अब तक 16,000 लीटर से अधिक अवैध शराब पकड़ी है और करीब 35 लाख से अधिक का कैश पुलिस की टीमों द्वारा पकड़ा गया। टोटल टीवी के लिए छज्जर से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।